ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। मां के बर्थडे पर आर्यन ने जेल की रोटी खाई। कल घंटों की बहस के बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब आर्यन को कम से कम सोमवार तक मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना होगा। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजा है। यही ड्राइवर आर्यन को क्रूज तक लेकर गया था। जांच एजेंसी को शक है कि क्रूज पर पार्टी में शामिल होने के लिए जाते समय आर्यन ने कार में ही ड्रग्स का सेवन किया था। सूत्रों के मुताबिक की जांच में आया कि अरबाज मर्चेंट प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले मन्नत पहुंचा था। वहां से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। इसी जानकारी के बाद एनसीबी ने एनपीडीएस के सेक्शन 29 को एफआईआर में जोड़ दिया था। एनसीबी इसी बात को और पुख्ता करने के लिए ड्राइवर का बयान दर्ज कर रही है। आर्यन खान को इस वक्त आर्थर रोड जेल की स्पेशल सेल में रखा गया है, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो क्वारंटीन है। जब क्वारंटीन का वक्त पूरा हो जाएगा तो आर्यन को कैदियों की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि आर्यन खान अब बेल के लिए आगे क्या करेंगे और उन्हें कब तक जेल में रहना पड़ेगा। शनिवार रविवार कोर्ट बंद होने की वजह से आर्यन को जेल में ही रहना है। आर्यन जेल में है, लेकिन बाहर ड्रग्स केस पर घमासान जारी है। आज तक के हाथ लगी पंचनामा की कॉपी में एनसीबी का दावा है कि अरबाज ने आर्यन के साथ ड्रग्स लेने की बात कबूली है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अरबाज मर्चेंट के जूते से चरस बरामद हुई। पंचनामा के मुताबिक एनसीबी ने आर्यन से पूछा कि क्या वो चरस का सेवन करते हैं, तो आर्यन ने चरस लेने की बात स्वीकारी। एनसीबी ने फिर सवाल किया कि क्या क्रूज में चरस लेकर जा रहे थे। आर्यन ने कहा हाँ, क्रूज में उनकी स्मोकिंग की तैयारी थी। एनसीबी ने अरबाज से पूछा कि क्या आर्यन चरस लेता है। हाँ में जवाब मिला। एनसीबी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है, तो अरबाज ने कहा कि उसने जूतों में ड्रग्स छिपा रखी थी। अरबाज ने अपने जूते से एक पाउच निकाला जिसमें 6 ग्राम चरस थी। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन जारी है। ये रेड मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर हुई। छापेमारी के बाद इम्तियाज को एनसीबी दफ्तर में तलब किया गया। इम्तियाज खत्री का बड़े सितारों के साथ उठना बैठना रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो रेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दो गाड़ियों में ये ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे। कुछ बयान दर्ज किए गए हैं इम्तियाज खत्री के घर के अंदर से, और फिलहाल ये जो गाड़ी है ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है जो लगातार रेड में शामिल रही है। घर के अंदर रेड हुई है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड के कई सितारों से उसके लिंक है, बड़ा बिल्डर माना जाता है। उसके ठिकानों पर यहाँ पर रेड हुई है, और रेड करने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से वापस जा रही है। बहरहाल ड्रग्स केस में एनसीबी फुल एक्शन में है, जहाँ रोज नए खुलासे होते हैं, वहीं आर्यन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।